Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. अच्छा finally बहुत time बाद audience के लिए treat होगा to watch कि भैरवी को एक सबक सिखाया जा रहा है वो भी mental asylum के द्वारा हाँ ये मैं ये यही कहूँगी कि भैरवी ने इतना कुछ किया है तो ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए अब भैरवी पे वार शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। और ये जो शेरा है ना जो पित्ती सा छोटा सा वही उसी की ये करामात है, करतूत उसी की है। उसने पागलखाने फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लिया है ताकि उसे लगता है कि जैसे मुझे शॉक मिलेंगे तो मैं अपनी जो मैंने करतूत की है जो मैंने किया है वो मैं सब वो शॉक के ज़रिए सब बड़बड़ करने लगूंगी। और शायद मैं थोड़ा थोड़ा बड़बड़ करती भी हूँ पर एंड मौके पर मेरा बेटा आके मुझे बचा देता है एज अ हीरो। नहीं भैरवी इतनी जल्दी तो आसानी से हार नहीं मानेगी तो इसीलिए, पर ये है कि असर इतना अच्छा मेरी तरफ से इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरी वजह से समीर और संजना में गलतफहमी पैदा हो गई है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि समीर को लग रहा है कि ये सब सिमर करवा रही है। आखिर जब मैं घर आता हूँ कहीं बाहर से तो मैं देखता हूँ कि जो नकली सिमर है वो कुछ लोगों के थ्रू मेरी माँ को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही रहती हैं और उसके बाद मुझे उन पर बहुत गुस्सा चढ़ता है सिमर पे जो कि नकली सिमर मुझे लग रहा है कि वो है। और मैं उन पर भी चिल्लाता हूँ और मैं संजना पर भी चिल्लाता हूँ क्योंकि मैं उसे कहता हूँ कि उसके सामने वो जो लोग थे मेरी माँ को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे वो चुपचाप खड़ी थी तो बहुत ही धमाकेदार सीन था। सबसे मेरी लड़ाई हो रही थी और मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी माँ सही है और मुझे लग रहा है कि जो सिमर है वो गलत है, वो नकली सिमर है, वो सिमर की डुप्लीकेट है। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली अभी फिलहाल तो अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं देखूँगा कि कौन सही है और सही का ही साथ दूंगा बाद में। कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे जो हुआ वेटिंग कि आगे और कितने ट्विस्ट आने वाले हैं इस शो में क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ धमाकेदार होता है। जी हाँ, इस शो में हर रोज़ कुछ नया होता है, धमाकेदार होता है और वही मतलब आगे बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल जो ये ट्रैक चल रहा है उसके बाद बहुत सारे ट्रैक्स लाइंड अप है तो बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी मैं फिलहाल अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा हूँ और अभी पॉजिटिव और आगे पॉजिटिव ही रहने वाला हूँ।